हाँ जी दोस्तों, तो सोमिल सर यार ग्रुप वन के मैराथन्स हो गए हैं, आई थिंक हर सब्जेक्ट के एक एक दो दो मैराथन हो गए हैं सर। कड़क, बहुत कड़क। बट ग्रुप टू के मैराथन का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, बच्चे पूछ पूछ के पागल कर दिए, इतना परेशान कर दिए कि सर ग्रुप टू का मैराथन कब आएगा। तो बताओ जरा बच्चों को इंतजार कब खत्म होने वाला, आपके दर्शन कब होने वाले। सर एक तो खत्म कर ही दिया था, एक तो टैक्स का हो ही चुका है, एक तो टैक्स का मैराथन सर ने आई थिंक निपटा दिया था और उसका बहुत बढ़िया रिस्पांस भी आया था सर, बहुत बच्चों ने प्यार भी दिखाया उस वीडियो पे। यस सर। तो सर सेकंड का मैराथन जो स्टार्ट करें ग्रुप का, तो 25 अप्रैल से कर रहे हैं ना, फटाफट एक 4-5 दिन का पूरा टाइम लेके एक एक दो दो मैराथन करके सारे सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। तो 25th को सर आप ले रहे हैं? करेक्ट। कौन सब्जेक्ट का? मैं सिक्योरिटीज लॉ ले रहा हूँ सर। सर ले रहे हैं सिक्योरिटीज लॉस का सुबह 10 बजे, ठीक है। 26 को मेरा रहेगा, पहले एक बार इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मिल लेंगे 26 को, फिर 27th को मोली सर आपसे मुलाकात करेंगे अगेन ECIPL का, ठीक है। फिर 28th को रहेगी छुट्टी, है ना, संडे, आप आराम करिए बैक टू बैक मैराथन के कारण। फिर 29th को वापस अब्बर सर आपसे मुलाकात करेंगे फॉर ECIPL, एंड 30th को वापस मैं आपसे मुलाकात करूंगा डायरेक्ट टैक्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपके सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, तो कंपलसरी लाइव ही देखना है और उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह के लिए मिलेंगे। यस, मतलब कहने का मतलब यह है यार, देखो आपका अभी तो 5 दिन का स्केड्यूल हमने बुक किया है, और भी बहुत सारा अनाउंसमेंट आएगा आप लोगों के लिए, और भी बहुत मैराथन वगैरह रिविजन है, क्वेश्चन सॉल्विंग है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कुछ चलते रहेगा, डोंट वरी। लेकिन यस, हम शुभ शुरुआत कर रहे हैं 25th को। 25th को इस बार सर मैं ना सिक्योरिटीज लॉ में क्या कर रहा हूँ सर, इस बार CMSL के पेपर में वी गोना सॉल्विंग 100 टॉप क्वेश्चंस। क्या 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि देखो पिछले बार मैराथन में बहुत डिटेल में लिया हुआ है। Correct. तो इस बार मैंने सोचा कि चलो कुछ और वैल्यू ऐड करते हैं। 100 ऐसे टॉपिक्स हमने उठाए हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, और वो टॉप 100 टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं 25th को सुबह 10 बजे, है ना, 10 बजे से फिर जब तक वो 100 टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होते तब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे आपके सोमिल सर मिलने वाले हैं IDT के लिए, एंड IDT का मैराथन जो है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा, थोड़ा जल्दी स्टार्ट होगा क्योंकि ये क्या 12 घंटे के पहले रुकेगा नहीं भैया ये इंसान, है ना, हम तो क्या थक जाते हैं, ये थकते नहीं है, तो 12 घंटे पूरे लेंगे। देन उसके बाद हम लोग आपका मोदी सर आएंगे, मोदी सर ECIPL का जो पार्ट बी है उसका एक मैराथन लेने वाले हैं, उन्होंने ऑलरेडी पेटेंट का ले लिया है, पेटेंट का एक्ट, पेटेंट एक्ट का लेक्चर ऑलरेडी रिविजन लेक्चर जो अपलोडेड है यूट्यूब पे आप देख सकते हो, तो रिमेनिंग टॉपिक जो है वो आपको कवर करवा देंगे। देन उसके बाद 28 को संडे है, 29 को हम लोग फिर से मिलेंगे ECIPL के लिए, और इस बार ECIPL में मैं लेने वाला हूँ टॉप 70 टॉपिक्स, क्योंकि सर ECIPL दो पार्ट में डिवाइड है, तो एक पार्ट मैं पढ़ाता हूँ, एक पार्ट मोदी सर पढ़ाते हैं, तो इस बार ECIPL में मैं लेने वाला हूँ टॉप 70 टॉपिक्स दोस्तों। एंड देन उसके बाद में आपका वापस से मुलाकात होगी सोमिल सर से, तो इस तरीके से आपका स्केड्यूल रहेगा। सारे जितने भी बच्चे हैं उन्होंने लाइव ही अटेंड करना है दोस्तों, बिल्कुल भी मतलब एकदम शिद्दत के साथ। लाइव में क्या होता है ना, एक मोटिवेशन रहता है कि यार चलो फैकल्टी भी पढ़ा रही है, फैकल्टी भी खड़ी है इतने घंटे से वो भी पढ़ा रहा है, हम भी पढ़ लेंगे, तो लाइव है तो हो जाता है, बाद में वो रिकॉर्डेड ही रह जाता है सर, वो बाद में देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों सभी ने लाइव अटेंड करना है। बाकी की बातें सर, एक दो बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट ऐसा भी है कि सर एक SLCM का एक बहुत ही चार्ट नोट्स बनाई हुई है मैंने, प्लस ECIPL का भी एक चार्ट नोट बनाया हुआ है, वो नोट्स का अनाउंसमेंट भी उसी दिन होगा, और जो लोग लाइव रहेंगे वो अनाउंसमेंट सुन पाएंगे, जो लाइव नहीं रहेंगे वो अनाउंसमेंट उनको नहीं मिलेगा। तो सारे मैराथन, एक भी मैराथन आपने छोड़ना नहीं है, अटेंड करना है लाइव दोस्तों। बाकी की मुलाकात आई थिंक मैराथन में होगी। यस सर, इसमें बस मैं आपको बताना ये भी भूल गया कि भाई टैक्स की भी समरी रेडी हो गई है, क्या बात, DT IDT, तो वो भी आपको समझो 30 अप्रैल तक मिल जाएगी, और IDT के अमेंडमेंट्स भी काफी दिनों से बच्चे बोल रहे हैं, रेगुलर वाले बच्चों का तो हो गया लेकिन पुराने वाले बच्चों का बचा हुआ है, तो वो भी है ना, साथ साथ में उसकी भी प्लानिंग 30 अप्रैल के बाद कर लेंगे। जो GST ले रहे हो उसमें ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे बैठ सकते हैं? बिल्कुल 100% DT IDT दोनों, ओल्ड और न्यू एज वेल एज सबके लिए, ओल्ड वाले न्यू वाले सबके लिए सेम है, क्योंकि सर टॉपिक एक्जैक्टली सेम है। आखिरी के एक आध चैप्टर हटा दिया, मतलब DT में एक चैप्टर इधर उधर है, IDT में एक चैप्टर इधर उधर है, बाकी एक्जैक्टली सेम है, बस न्यू में सॉल्विंग करनी है लंबे क्वेश्चंस और MCQ करना है उतना ही। सर सेम गोज विद द सिक्योरिटीज लॉ इन ECIPL, मतलब सिक्योरिटीज लॉ ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों बच्चे अटेंड कर सकते हैं, वो 100 टॉपिक्स ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सेम है। देन ECIPL तो पार्ट ही पूरा सेम है भाई, EBCL वाले जितने भी बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले उन्होंने अटेंड करना ही करना है, एग्जैक्टली सेम टॉपिक्स है, तो बस ओल्ड सिलेबस हो न्यू सिलेबस हो सभी लोगों ने ये मैराथन अटेंड करनी है। बाकी की मुलाकात हम करेंगे, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, सी यू। लेक्चर को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और प्यार देते रहना। बाय बाय दोस्तों।